चल से फ्रंट का व्यू अल्टीमेट। हेलो पीपल, हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एस कुमार वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका इस दूसरे ब्लॉग में ऋषिकेश सीरीज के। तो अब सुबह हो चुकी है, सुबह के बजे हैं 8 और हम उठ चुके हैं अपने हॉस्टल के रूम में। और यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है अल्टीमेट, तो दिखाते हैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ और आपको अब आज दिखाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस। और मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है, बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं ठंडी ठंडी, क्योंकि रात में बारिश हुई थी। तो अभी आपको दिखाते हैं फ्रंट का मॉर्निंग व्यू। और आपको दिखाते हैं बाहर का फ्रंट व्यू जो कि एकदम अल्टीमेट है। फ्रेंड, ये है हॉस्टल से फ्रंट का व्यू अल्टीमेट, कसम से मज़ा आ गया। सामने माँ गंगा के दर्शन आप कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ। मौसम इस समय पहाड़ों पर धूप खिली हुई है। आपको देते हैं 360 व्यू। चारों तरफ हॉस्टल्स और होटल्स बने हुए हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। व्यू एकदम गजब अल्टीमेट, से बोलते हैं ना अल्टीमेट, ऐसा व्यू। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको पास से गंगा जी का व्यू। तो अब हम निकल चुके हैं लक्ष्मण झूला टेंपल की तरफ अपने भाई के साथ और चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो आगे का व्यू है अल्टीमेट व्यू। हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला पे और देते हैं आपको लक्ष्मण झूला का व्यू। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। देवभूमि लक्ष्मण झूला पर हम पहुंच चुके हैं, रात में बारिश हुई है तो। और ये है अल्टीमेट व्यू ऑफ लक्ष्मण झूला, इधर से माँ गंगा। श्री गणेश्वर महादेव का मंदिर, ऐसे जो व्यू मिल रहा है गजब अल्टीमेट, शब्दों में बयां करना मुश्किल है इस व्यू को। और ये लक्ष्मण झूला हिलता हुआ। और लोग काफी एंजॉय करते हुए यार, काफी हिल रहा है, काफी पुराना है। जब भी बहुत कसर होता है
फ्रेंडली हो गए ज्यादा। इनको बिस्कुट खिलाते हैं। हाँ मस्ती करते हुए तुम आज के चाय की टपरी पे और डॉग्स के लिए कुछ बिस्किट लिए हैं। नहीं खाना खा ले यार। नहीं खाना। और आ चुके हैं अंकल की चाय पीने के लिए और अंकल बना रहे हैं हमारे लिए मस्त सी चाय। हाँ जी, अदरक इलायची डाल के। अदरक इलायची डाल के और जब कैसे भी कड़क चाय पियोगे? जबरदस्त कड़क चाय। ठीक है, अभी बन रही है आपकी कड़क चाय। नीलकंठ का काम तक आ जाएगा? हाँ जी हाँ जी। कितना? 12 किलोमीटर होगा नीलकंठ। और हमारी चाय हो चुकी है रेडी। उस साइड से जाना पड़ेगा? हाँ जी, पुल पार करके सीधा जाओगे फिर आगे से भूतनाथ मंदिर पर। और कोई ग्रुप होगा तभी तो जाओगे आप? हाँ हाँ, ये तो है। चार लोग हैं हम। चार लोग फिर तो ठीक। वैसे दो लोग में जाना ठीक नहीं है ना, जंगल का। हाँ जंगल का रास्ता है, फिर हाथी वाथी भी आ जाते हैं। अच्छा, फिर तो मजा आएगा। चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। हाँ भाई, मजा आ रहा है चाय पीने में? चाय जबरदस्त कड़क है एकदम। अभी पी के बता दी चाय। गजब मस्त चाय बनी अंकल, चाय पीने में मजा आ गया। चाय और और नंदी महाराज खड़े हुए।
रेनबो, है रेनबो। सो क्यूट रेनबो। ओके बाय, सी यू लेटर रेनबो। अब हो गया, आप देख देख हो गया, आप इधर देख देना, ये बहुत खाता है यार। वाओ नाइस, बड़ा है ना। वेयर आर यू फ्रॉम? ये ऊपर से तो ब्लैक चोपड़ा और अच्छा होगा चपनी और बद्रीनाथ के लाने। ऐसे पूछा ना, मैं फॉरेनर जैसे लग रहा है। नहीं नहीं, आई डू हैव ट्रैवल एजेंसी, ब्रो। ट्रैवल एजेंसी है तो हम लोग लाइक वही काम करते हैं। So cute. So cute. Hey cutie. ये है भैया की शॉप, इसी केस में भैया बना रहे हैं हमारे लिए मैगी। ये अम्मी से जिसमें बनाता हूँ बहुत अच्छी मैगी। ये भैया बना रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सी जगह है आपकी? ये लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला के पास है भैया की शॉप। भैया मैगी बना रहे हैं हमारे लिए, बहुत टेस्टी। मैं बना रहा हूँ भाई लोगों के लिए मैगी, क्योंकि भाई लोगों को बहुत ठंड लग चुकी है जी। मैं बना रहा हूँ मसालेदार मैगी, और अभी थोड़ी देर में भाई लोग मसूरी धनौटी की तरफ निकलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ कल से बहुत सारी बर्फबारी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर ब्रेक के बाद। ओके थैंक यू भैया। तो गाइस ये आ चुकी है अपनी वेज, वी आर हैविंग अ वेज मैगी ब्रेकफास्ट हियर, वेज मैगी प्रिपेयर्ड बाय मैगी पॉइंट एंड मोड। इसमें मैगी पॉइंट एंड नूडल्स भैया ने बनाई है मैगी, और खाके टेस्ट करते हैं। ये कर ले लो ना से। कैसी है? कैसी लगी भैया? मस्त। सलाद तैयार कर लो यार, तब खाने लग गए। ट्रेलर थालीपुर तैयार नहीं कर, गाइस वी आर नाउ द त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल। दिस अ व्यू इज वेरी नाइस। हम आ चुके हैं यहाँ पे ट्री हाउस कैफे फॉर कॉफी के लिए। आपके YouTube चैनल है? It's my friend, newly friend, Anjali. So she want to say something. Hello people, hello everyone. I hope you all are doing great. So I just want to say that he is a nice guy and this place is nice. You will meet lots of people like us, like him, like me. And if you are traveling, make sure that you are
talking to everyone. That's the only way you can know their culture and meet new people. Yeah. So visit Rishikesh soon and do well. Yeah. Take care. I enjoy well, the world capital of yoga, Rishikesh. Not welcoming to you. The world, what, just what he said, the same. Yoga capital, though I don't do yoga, so I don't know much. I am here only for the river Ganga, because I love water, the sound of running water, that's what attracts me. And not to forget, it's place of Bhole. And I'm a big fan of Bhole. Bum bum Bhole. Bum bum Bhole. Bum bum Bhole. Bye bye. Bye. बहुत ही सुंदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है काफ़ी तेज, और कैमरे की बैटरी ऑफ होने वाली है। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ। टाइम हो रहा है 10 PM, और शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कितनी खामोशी, चुके हैं हर की पैड़ी में, और ऊपर आप देख सकते हैं टॉप पर मनसा देवी, और रात आपको माँ गंगा के दर्शन। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग। महाकुंभ की तैयारी चलती हुई यहाँ। वाह, मजा आया ना। गंगा जी का बहाव आपको दिखाते हैं इधर से। चुके हैं हर की पैड़ी में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गंगा जी को बहते हुए, और पानी का बहाव बहुत ही तेज है, तो आप 360 में। तो चलिए चलते हैं हर की पैड़ी की तरफ, और दिखाते हैं आपको आएगा भी। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, सो इट्स डिफिकल्ट टू टेकिंग अ ब्रीथ। आई थिंक टेम्परेचर इज 2 or 3 degrees Celsius, but we need to try bath in Bhole Ganga. I don't know, आपको मेरी वॉइस आ रही होगी या नहीं,